अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बख़ैर आफ़ियत होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बड़ा स्पेशल सा केक, फ्रूट्स क्रेप केक। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने मैदा ली है और इसको मैंने छान दिया है, दो बार मैंने इसे छाना है ताकि बिल्कुल फ़ाइन हो जाए। और ये मैंने शुगर ली है और इसको भी मैंने छान लिया है। और ये इसके लिए, और ये हमने बेकिंग सोडा लिया है, और ये सोडा लिया है, 2 eggs लिए हैं, और ये ड्राई बेरीज ली हैं, और ये कुछ नट्स वगैरह हैं डेकोरेशन के लिए, ये एसेंस है वनीला एसेंस, और ये क्रीम है, और ये फ्रूट्स हैं। फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आपको पसंद हो, वो आप ले लीजिए। ये देख लें आप, मैंने अनार, सेब, केला, और ये पाइनएप्पल, और ये थोड़ी सी खजूरें हैं, सॉफ्ट वाली खजूरें हैं ये, बिल्कुल जो सॉफ्ट होती हैं। और इसको मैंने इस तरह से थोड़ा छोटा छोटा काट लिया है। तो ये देखिए, हमने इसमें ये 2 अंडे इसमें हमने डाल लिए हैं, और इसी के साथ इसमें हम 2 tablespoons बटर डालेंगे, और अगर आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और ये हम जो है बेक नहीं करेंगे, हम क्रेप पैन में बनाएंगे केक, और ये थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ही डिलीशियस है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरी दुआ है कि आपको पसंद आए, और अगर आप जब ट्राई करेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे, तभी तो आप बनाएंगे ना। चलिए अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स ये हमने डाल दिया इसमें, और इसको मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब हम जो है ये मैदा ले लेंगे, और मैदा में ये 2 bowls हमने मैदा ली है, और ये हमने 1 bowl से थोड़ा कम शुगर ली है इसमें, ये हम इसमें डाल देते हैं। तो ये मैदा और शुगर हमने इस बाउल में मिला लिया है अच्छे से, और इसी में हम ये बेकिंग पाउडर 2 teaspoons डाल देंगे। और ये थोड़ा सा सोडा जो हम खाने में यूज़ करते हैं, ये 1/4 teaspoon हम इसमें डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से देखिए इसी तरह से, पहले इसमें कोई लम्स ना रहे, ड्राई अच्छे से इस तरह से करते रहेंगे 5 minutes तक। उसके बाद हम इसको, तो व्यूअर्स देखिए, ये हमने एग और शुगर और ये सारी चीज़ों का अच्छे से हमने मिक्स करके इसको हमें खूब अच्छी तरह बीट कर लेना है। तो और इसके लिए हमें मिल्क भी ऐड करना है, हमने आपको नहीं बताया था उसमें। और ये इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के इसको बना लेना है। और ये क्योंकि हम बेक नहीं करेंगे, हम पैन में केक बनाएंगे, पैन केक्स बनाएंगे, तो इसलिए इसका बैटर जो है थोड़ा सा मतलब लिक्विडी होता है, ताकि हम अच्छे से स्पून में इसको फैला लें, जिस तरह से पैन केक का बैटर होता है। इसके लिए ऐसे हमें काफ़ी देर तक इस तरह से इसको चलाते रहना है। हमने जो है पानी में, 1 cup पानी में थोड़े से 2 tablespoons शुगर और कुछ पाइनएप्पल के पीसेस लेकर इसको बॉईल कर लिया है, बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसका हम अच्छा सा सिरप बना लेंगे, बस 2 boils आएंगे इसमें, इससे हम अपने केक को सोक करेंगे। ओके, देखिए व्यूअर्स, ये हमने जो है सारी चीज़ें अच्छे से इसको बीट कर लिया है। इसे बीट करते हुए हमें 10 to 15 minutes हो गए हैं, और ये बड़ा अच्छा सा बैटर, ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का आपको बैटर रखना है, ताकि आपके पैनकेक जो हैं इजीली इसे स्प्रेड हो जाएं। और चलिए अब हम पैन में बनाकर दिखाते हैं जल्दी से आपको। तो देखिए, हमने इस पे पैन रख दिया है, और पैन में हमने ग्रीसिंग कर ली है बटर से थोड़े से। अब इसमें हम ये डाल रहे हैं, बहुत ही ध्यान से हमें डालना है इसमें, और मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी क्योंकि मैं ये केक, फ्रूट केक बना रही हूँ। तो इसको हम थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे, ज़्यादा जितना बड़ा हमें चाहिए, थोड़ा सा हम बैटर और डालेंगे इसमें इस तरह से, ये देख लीजिए।
इतना बड़ा केक हमें लेना है। जब हम पैन केक लेते हैं तो हमारा बस ये 2 टीस्पून एनफ रहता है, और ये मैं थोड़ा सा थिक रखूँगी इसलिए थोड़ा सा बीच में मैं बैटर और डाल देती हूँ। और ये बस देखिए, तो देखिए व्यूवर्स इस पर बबल्स आने लगे हैं, थोड़ा सा फ्लफी भी लग रहा है। इसको बस हम अब टर्न कर लेते हैं, बॉस ठीक से हमें इसे टर्न करना है। ओ एम जी, ओ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये हमने टर्न कर लिया और ये हमारा परफेक्ट क्रेप केक रेडी है। और इसी तरह हमें 1 by 1 सारे केक बना लेने हैं, और इसे 2 मिनट्स के लिए हमें इधर से और करना है, और ये रेडी है। देख लीजिए व्यूअर्स, ये जो है बिल्कुल रेडी है। इधर इसको हमने पलट लिया है और ये इतना स्पॉन्जी है और इतना इजीली तैयार हुआ है कि आप बनाएंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम 1 by 1 एक एक करके अपने केक रेडी करते हैं। ये लास्ट वन है, ये हमने 5 केक इसमें पैन में बनाए हैं। और ये देखिए, अब फर्स्ट दिखाया हमने और ये लास्ट वाला, ये सो परफेक्ट। शुगर सिरप डालने के बाद इस पर हम ये क्रीम डालेंगे, क्रीम की लेयरिंग करेंगे इस पर केक पे हल्की हल्की। इस तरह से व्यूअर्स, ये मैंने व्हिप क्रीम ऑलरेडी मार्केट से ली है, ये मैंने इसमें शुगर भी एडेड है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये ऑलरेडी ऐसे ही मैं मार्केट से लेकर मैंने इस पर लगा ली है। और कभी मैं इसकी भी इंशाल्लाह रेसिपी डालूंगी। और ये हमने जो फ्रूट्स लिए हैं इसको हम थोड़ा थोड़ा इस पर अब स्प्रेड कर लेंगे बीच। तो देखिए व्यूअर्स, ये फिर इस तरह से ये हम इसे अब ये बनाना डाल देंगे इसमें इस तरह से। और ये अब हमने ये एप्पल डाला, थोड़े से ये हमने इस पे ये अनार डाले, और ये हमारे पास खजूर है, ये हमने थोड़ी सी डाली, और ये फिर से हम इस पे थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। लास्ट वन बचा है, इसको भी हम शुगर सिरप में डिप कर लिया है, और अब हम इस पे लगा रहे हैं लास्ट क्रीम
ये देखिए इस तरह से, और ये अब फ्रूट्स हैं इस पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा केक बन के रेडी हुआ है। मुझे ख़ुद उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा केक बन जाएगा, कि मैं आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट इन केक, बट ये इतना सॉफ्ट इसका बेस बना है। और फिर तो ये लेयरिंग रह जाती है, इसको अच्छे से लगाना है सब केक के ऊपर। देखिए जिस तरह मैं लगा रही हूँ इसी तरह आप लगाइएगा, क्योंकि आपके कटिंग में केक में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये केक इतना ऊंचा वो सब बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हमें साइडों से क्रीम लगानी है और ऊपर से, अभी हम आपको डेकोरेट करके दिखाएंगे। तो देखिए ये अब हम अपने केक को फाइनल टच दे रहे हैं, तकरीबन ये कंप्लीट हो गया है। ऐसे हमने जाली से थोड़ा सा डेकोरेट किया है, और ये हम पे ड्राई बेरीज हैं थोड़ी सी, और इसको हम इससे और पाइनएप्पल से डेकोरेट कर रहे हैं। देखिए व्यूअर्स ये हमारा पूरा बन के रेडी हो गया है, और ये देखिए आप खुद बताइए आपको कैसा लग रहा है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। अब इसको हम आपको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए देखिए व्यूअर्स ये हमने इसको काट के हम आपको दिखा रहे हैं, ये कितना देखिए परफेक्ट केक बना है, और बहुत ही डिलीशियस। इसकी हर लेयर्स में लॉट ऑफ फ्रूट्स इसमें हैं, और चलिए आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह